मीसम ने मुझे डिवोर्स पेपर्स भेजे। तुम्हें क्या मिला मेरी जिंदगी बर्बाद करके मीसम? क्योंकि जबरदस्ती आप मुझे इस घर में कैद नहीं रख सकते। अगर आप चाहते दो टके की औकात नहीं, आज महल में रहने की ख्वाहिश। मैं मीसम से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, अब जब सच पता चल गया तो मुझे छोड़ने की तैयारी शुरू कर दे। और कमाल ये है कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो भी गई है कि मैं आपकी बेटी को डिवोर्स नहीं करूँ ना, तो अपनी बेटी का घर बचाने के लिए आपको अपना घर बर्बाद करना होगा। मीसम का प्लान काम कर चुका है और वफा इस केस में गिरफ्तार होकर खुद ही हर चीज से पीछे हटती जा रही है, वरना तो सब घर वाले मिलकर भी इसका मुकाबला न कर पा रहे थे। साथ ही वकार को भी वफा की सच्चाई का पता चल चुका है और वो इसे काफी बेइज्जत भी करेगा और इसे तलाक देने से भी इनकार कर देगा। लेकिन मीसम वकार को कॉल करके बोलेगा कि अगर इसने वफा को तलाक ना दी तो वो शिजा को तलाक दे देगा। और उधर शिजा मीसम की कोई भी बात सुने बगैर इस पर और वफा पर दोबारा से शक करना शुरू हो जाएगी।